एक शहर में राहुल नाम का लड़का रहा, जो कि राहुल बहुत खुश था क्योंकि गर्मियों की छुट्टी पड़ चुकी थी। वह बस में बैठ करके अपने घर की ओर गया। घर जाने के बाद घर बस से उतर के घर के अंदर गया, घर के अंदर गया और फिर वहाँ से अपने पिताजी के पास गया। पिताजी, मुझे दादी कने जाना है। अच्छा ठीक है, चलते हैं, मैं भी बहुत दिन से नहीं गया। जी हाँ, आज चलते हैं, मैं भी बहुत दिन से बाहर नहीं गई हूँ। और राहुल वहाँ से चला गया। फिर वह सभी लोग घर से स्टेशन की ओर रवाना हो गए। मम्मी पापा, जल्दी चलो। हाँ बेटा, आते हैं। और वह सब लोग स्टेशन में जाके पहुँच गए। स्टेशन में पहुँचकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। फिर वह लोग सभी ट्रेन में बैठे और वहाँ से रवाना हो गए अपने गांव के लिए। यहाँ पर गांव का स्टेशन में पहुँचे। पहुँचने के बाद वह सब लोग अपने घर की ओर पहुँच गए। वहाँ उनका छोटा सा गांव में एक घर था। यहाँ पर उनकी एक राहुल की दादी माँ रहती थी और एक सहेली भी थी जिसका नाम रूपा था। रूपा एक दिन राहुल और रूपा गांव में मंदिर के पास खेल रहे थे, तभी उन्हें एक गुफा मिली। वह गुफा के अंदर गए तो उन्हें वह एक चीज़ मिली जो कि अद्भुत और आकर्षक थी। वह लोग जब अंदर पहुंचे तो उन्हें देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। अगली कहानी